alaikum dear class, I am your social studies teacher Ms. Gulshan from Real Scholar School, Campus 3. I hope all of you will be fine. सो डर क्लास टूडे वी शिल कंटिन्यू आवर रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर वन पाकिस्तान फोर प्रोविंस एंड कश्मीर तो आपका ये मैंने पिछले लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर वन टू वन थ्री की रिविज़न करवाई थी प्लस ऑब्जेक्टिव सारा हमने रिवाइज कर लिया है सो so, आज हमारा है क्वेश्चन नंबर फोर तो वर्ट आर द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लिमिटेड एग्रीकल्चर इन बलोचिस्तान अब आपने बलोचिस्तान का जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में आपने इसको कंट्रीब्यूट करना है द अनडिज़ायरेबल एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन

वो क्यों है क्योंकि बलूचिस्तान दो एरियाज़ में डिवाइडेड है या तो डेजर्ट में या माउंटेंस में तो अब माउंटेंस में भी बहुत कम लोग रिहाइश पसी होते हैं और डेजर्ट में तो बहुत ही कम तादाद है जो कि रहना पसंद करती है तो इसलिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इसका एग्रीकल्चर को लिमिटेड रखती है ड्यू टू तो द दूजअल ड्रॉट देयर इज़ वेरी लिटल वेजिटेशन यहाँ पर वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा कम तादाद में तीन तो देखो अगर पानी ही नहीं होगा डेजर्ट्स की बात की जाए पानी ही नहीं होगा तो कहाँ से एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है तो मोस्टली माउंटेनियस एंड इन सम प्लेसेज द डेजर्ट रीजन इंक्लूडिंग करान एंड मकरान डेजर्ट तो मेक इट डिफिकल्ट एरियन टू लिव इन एंड ग्रो तो ये बहुत डेजर्ट्स और जो मोस्टली माउंटेनियस इलाके हैं ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं जो है क्रॉप्स को उगाने में उनकी ग्रोथ में तो स्क्रसटी ऑफ वाटर वाटर की कमी की वजह से कॉजिज़ मोस्ट ऑफ़ द प्रोवेंस टू बी ड्राई और बहुत ज़्यादा जो प्रोवेंस है ना बहुत ज़्यादा इलाका इसका ड्राई है तो जहाँ पर ड्राइनेस है वहाँ पर कभी भी जो एग्रीकल्चर प्रोमोट नहीं हो सकता सो क्वेश्चन नंबर फाइव इज़ रोर्ट नोट ऑन आज़ाद कश्मीर आज़ाद कश्मीर भी आपने शॉर्ट नोट लिखना है आज़ाद कश्मीर इज़ एन ऑटोनोमियस रीजन बट पाकिस्तान कंट्रोल एट एक आज़ाद रियासत है बट इसको पाकिस्तान कंट्रोल करता है आज़ाद कश्मीर बॉर्डर आदा इंडिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो जो इंडिया ने जिस पर कब्जा किया हुआ है वह स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को जो है बॉर्डर टच करता है टू ईस्ट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेट नॉर्थ नॉर्थर्न एरिया टू द नॉर्थ एंड डब्ल्यू एफ पी टू द वेस्ट एंड पंजाब टू इट साउथ अब आपको डायरेक्शन बताई जा रही हैं एंड साउथ वेस्ट आजाद कश्मीर कंप्राइज ऑफ एड डि अब ये किस पे डिवाइडेड क्या है एट डिस्ट्रिक्स पर आज़ाद कश्मीर डिवाइडेड है मुजफ्फराबाद इज़ द कैपिटल अब यहाँ का मुजफ्फराबाद जो है वो कैपिटल है एट इज़ मेनली विद ग्रीन वैलीज यहाँ पर ग्रीन वैलीज़ है और ये ज़्यादातर जो है ना हिली एरिया है द मेजर क्रॉप्स ऑफ आज़ाद कश्मीर आर मेज़ वीट एंड राइस द पीपल ऑफ आज़ाद कश्मीर आर प्रीडोमिनटली मुस्लिम्स और यहाँ के ज़्यादातर जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो मुसलमान हैं मुस्लिम्स हैं और यहाँ के जो मेजर क्रॉप्स हैं उसमें मेज़ वीट एंड राइस So, आपके अब इस लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव ही थे आपने ये अच्छे से याद करके आने हैं और उनका बहुत अच्छा टेस्ट देना है ओके क्लास टेक केयर अल्लाह हाफिज